लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेगा, जितना अपने प्रोफेशन में अच्छा करेगा, उसे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर वो आपको चार क्वाड्रेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, एक होता है एम्प्लॉयड, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होता है जो बिजनेस करता है, चौथा होता है इन्वेस्टर। ये चार प्रकार के लोग होते हैं जो अपने अपने काम करते हैं। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है मतलब जो खुद अपना काम करता है, जैसे कोई टीचिंग का प्रोफेशन कर रहा है या कोई कर रहा है, वो घंटे के हिसाब से भी कमाते हैं और अलग भी कमाते हैं। दूसरा मैंने बताया एम्प्लॉयड, मतलब वो किसी और के लिए काम करें, जैसे कोई नौकरी करने के लिए करता है, वो महीने का 15,000 कमा रहा है, 25,000 मतलब उसके फिक्स है, उनमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होने वाला। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो जितना ज्यादा हार्डवर्क करेगा, जितना अपने प्रोफेशन में अच्छा करेगा, उसे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर वो आज 1 घंटे के 600 कमा रहा है तो वो कल 1 घंटे के 1,000 भी कमा सकता है। बस उसको प्रैक्टिस में रखना है, मतलब अपनी जो चीजें हैं जिनमें वो मास्टर्स करना चाहता है, अगर उन स्किल्स में अगर उसने मास्टर कर लिया, मतलब उनमें वो परफेक्ट हो गया, तो उसके रुपए बढ़ सकते हैं। तीसरा है बिजनेस। बिजनेस माइंडसेट के लोग होते हैं वो बहुत कुछ कर जाते हैं और वो क्या करते हैं, खुद कुछ नहीं करते, बस वो अपना दिमाग इतना लगाते हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है मतलब जो लोग परफेक्ट हो चुके हैं उन्हें अपने लिए काम करवाते हैं। जैसे आप किसी को भी देख सकते हो, मार्क जुकरबर्ग, एनीवन, वो जो परफेक्ट लोग होते हैं उन्हें बुलाते हैं, उन्हें नौकरी देते हैं और अपना काम कराते हैं। उनका बस माइंडसेट इतना होता है कि अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। और चौथे जो होते हैं वो होते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो स्टॉक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और अपने रुपए घर बैठे बैठे, मिंटू से उनको कोई एक्टिव इनकम नहीं होती, उनकी पैसिव इनकम होती है और वो भी बहुत दिनों बाद होती है। वो ऐसे नहीं सोचते कि यार कल कितना कमाऊंगा या परसों कितना कमाऊंगा, वे अपना माइंडसेट इतना रखते हैं कि 10 साल बाद में आज कहाँ जाऊंगा। जैसे अपन देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी ने जियो कब स्टार्ट, कब सोचा उसने, 2007 में सोचा था कि मैं कुछ जियो जैसा कुछ लाऊंगा और उसको 10 साल लग गए। और वो एक चीज और है, जो बिजनेस करते हैं वो अपना रुपया पहले लगाते हैं, जैसे उसने पहले अपने रुपये लगा दिए और ये भी नहीं सोचा कि मेरे को कब रिटर्न मिलेगा।